यूपी में मानसून की बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे राज्य में बादलों की गर्जना के साथ बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए पूर्वी और पश्चिमी यूपी के जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आज यानी 9 अगस्त को यूपी के 55% जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। पूर्वांचल के कई जिलों में बीती शाम से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मानसून की ट्रफ लाइन की बात करें तो फिलहाल एक लो प्रेशर एरिया सोनभद्र के पास बना हुआ है। इस वजह से पूर्वांचल में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। IMD ने चेतावनी दी है कि शुक्रवार को सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, गाजीपुर, बलिया, मऊ, श्रावस्ती, बहराइच, लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, झांसी, महोबा, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर और गोरखपुर जैसे जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। BHU के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव के अनुसार जुलाई में जो मानसून ब्रेक लगा था वह अब अगस्त में नजर नहीं आ रहा है। 13 अगस्त तक यूपी के विभिन्न जिलों में कभी तेज तो कभी धीमी बारिश का दौर बना रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने की उम्मीद है। बात करें वाराणसी और लखनऊ की तो बीती रात से ही यहां रुक रुक कर बारिश हो रही है। गंगा नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे वाराणसी, प्रयागराज और मिर्जापुर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वाराणसी के सभी 84 घाट पानी में डूब चुके हैं और अब गलियों में भी गंगा का पानी घुस चुका है। राहत की बात यह है कि गंगा का उफान फिलहाल थम गया है, लेकिन पानी का स्तर अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। इस बीच पूरे यूपी में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। अगले कुछ दिनों तक बारिश का यह सिलसिला यूं ही जारी रहने की संभावना है, इसलिए घरों में सुरक्षित रहें और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए सतर्क रहें। लोकल 18 के लिए वाराणसी से अभिषेक जायसवाल की रिपोर्ट।